दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज है फ्रेंडशिप डे, तो आप सभी लोगों को मेरी तरफ से बी योर मनी मैनेजर यूट्यूब चैनल की तरफ से हैप्पी फ्रेंडशिप डे। तो दोस्तों जिस तरह से किसी इंसान की जिंदगी में एक दोस्त की भूमिका होती है कि वो हर समय अपने दोस्त की मदद के लिए आगे रहता है, उसी तरह से हर इंसान की जिंदगी में मनी मित्र यानी मनी फ्रेंड की भी वही भूमिका होती है। और कोई जरूरी नहीं हो कि जो आपका दोस्त हो, जो आपका मित्र हो, वही मनी मित्र हो। मनी मित्र कहने का मतलब हुआ कि जो आपको हर समय पैसों को कैसे संभालना है, कहाँ निवेश करना है, कितना खर्च करना है, कहाँ खर्च करना है, कहाँ कहाँ अकाउंट खुलवाना है, कैसे अकाउंट खुलवाना है, शेयर बाजार में कैसे ट्रेडिंग करनी है, इनकम टैक्स कितना चुकाना है, इन सब बातों के बारे में आपको बताए, यानी पैसों से जुड़े हुए आपके हर सवालों का जवाब दे करके आपको संतुष्ट करे, वो होता है मनी मित्र। आप सब जानते हैं कि हमारी जिंदगी में पैसों की कितनी अहमियत है। रोटी, कपड़ा और मकान हमारी बुनियादी जरूरत है, लेकिन हमें इन जरूरतों को पूरी करने के लिए पैसे कमाने होते हैं। हर इंसान को पैसे कमाने होते हैं। कहते हैं ना, बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। तो रुपया यानी रुपये पैसे की काफी अहमियत है, और रुपये पैसे के साथ ही साथ अहमियत इस बात की भी है कि आप जो पैसे कमाते हैं उसको कैसे संभाल करके रखते हैं, पैसे से पैसा बनाने के लिए आप कहां पर पैसे निवेश करते हैं, गलत स्कीम में तो पैसे नहीं लगा रहे हैं, इन सब बातों को भी जानना जरूरी होता है। इसको एक तरह से पर्सनल फाइनेंस यानी व्यक्तिगत वित्त कहा जाता है। इसमें पैसे कहां निवेश करना है, पैसे कैसे बचाना है, कहां कहां कितना कितना खर्च करना है, आपको फाइनेंशियल प्लान कैसे बनाना है, आपको फाइनेंशियल गोल कैसे तय करना है, फाइनेंशियल गोल यानी वित्तीय लक्ष्य आपके क्या क्या हो सकते हैं, और उन वित्तीय लक्ष्य को पाने के लिए आपको कहां कहां निवेश करना चाहिए, इसके अलावा इंश्योरेंस आपको कौन सा लेना चाहिए, क्यों लेना चाहिए, इनकम टैक्स आपको कितना चुकाना है, कैसे चुकाना है, इसके अलावा इनकम टैक्स बचाने के लिए आपको कहां कहां निवेश करना है, इन सब बातों के बारे में एक मनी मित्र आपको बेहतर सलाह दे सकता है, बेहतर आपके सवालों का जवाब दे सकता है। शेयर बाजार, म्यूचुअल फंड, बॉन्ड, बहुत सारे जो फाइनेंशियल प्रोडक्ट हैं यानी जहां पर आप पैसे लगा करके पैसे कमा सकते हैं और आने वाले दिनों में रिटायरमेंट के बाद आप बेहतर जिंदगी जी सकते हैं, उसके लिए आपको कहां पैसे लगाने चाहिए, कैसे पैसे मैनेज करना चाहिए, यदि आप भविष्य में घर खरीदने वाले हैं, कार खरीदने वाले हैं, विदेशी यात्रा करने वाले हैं, तो उन सब कामों के लिए अभी से ही कैसे पैसे को मैनेज करें, इन सब बातों के बारे में एक मनी मित्र आपको बेहतर सलाह दे सकता है। तो अगर आप दोस्त की अहमियत समझते हैं तो मनी मित्र भी आपकी जिंदगी में वही भूमिका निभा सकता है जैसे कि एक दोस्त निभाता है। तो पैसों के बारे में बुनियादी जरूरत जानना हर किसी के लिए आज जरूरी है। जैसे कि हमने देखा है कि नोटबंदी के दौरान या फिर अभी लॉकडाउन चल रहा है कोरोना महामारी की वजह से, तो जिन लोगों ने अपने पैसों को बेहतर इस्तेमाल किया, जो लोग पर्सनल फाइनेंस के बारे में जानते थे, जो लोग मोबाइल बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग या फिर इमरजेंसी फंड, म्यूचुअल फंड, शेयर बाजार जैसी चीजों के बारे में जानते हैं, उनके लिए ऐसे मौके पर खुद को और अपने परिवार की जिंदगी को पटरी पर चला के रखना काफी आसान लग रहा है। तो हम में से हर किसी को फाइनेंस के बारे में जानना चाहिए, फाइनेंशियल प्लान के बारे में जानना चाहिए, इमरजेंसी फंड क्या होता है उसके बारे में जानना चाहिए, शेयर बाजार क्या होता है, शेयर बाजार में निवेश कैसे करें, शेयर बाजार में निवेश करने से पहले किन किन बातों का ख्याल रखें, जिस शेयर में आप पैसे लगाने जा रहे हैं उसके बारे में पहले क्या क्या बातें सोचे, पूंजी स्कीम में कैसे नहीं फंसे, पूंजी स्कीम आप जैसे कि जानते हैं कि बहुत सारे लोग गलत स्कीम में पैसे लगा देते हैं, उसके बाद फिर फंस जाते हैं, तो फिर उनका पैसा फंसा हुआ रहता है। पीएसएल हो गया, बहुत सारे ऐसे स्कीम है, एसपीकेसिया हो गया, या बहुत सारे ऐसे स्कीम में लोगों के करोड़ों रुपये डूबे हुए हैं। तो इन सब चीजों के बारे में अलर्ट करना ये एक
मनी मित्र का काम होता है। और मनी मित्र यानी आपको बिना किसी फीस के आपको सारी जानकारी दे। तो हालांकि हिंदी में पर्सनल फाइनेंस को लेकर के या फिर पैसे को कैसे संभालें, पैसे को कहां निवेश करें, पैसे को स्पेंड कैसे करें, खर्च कैसे करें, यानी स्पेंड मैनेजमेंट सीखना, इन सब चीजों के बारे में अंग्रेजी में तो बहुत सारी जानकारियां लोगों को मिल जाती है, लेकिन हिंदी भाषी लोगों के पास इसकी जानकारी के लिए जो स्रोत है वो काफी सीमित है, काफी कम है। तो हमने एक किताब लिखी थी, आपका पैसा आप संभालें। इस किताब में बेसिक जानकारी दी गई है कि पैसे को कैसे मैनेज करना है, कहाँ कहाँ निवेश करना है, कहाँ कहाँ निवेश करके आपको कैसे पैसे बना सकते हैं, निवेश साधनों के क्या रिस्क हैं, क्या रिटर्न मिल सकते हैं, इन सब बातों के बारे में बेसिक जानकारी इस किताब में आपको मिल जाएगी, आपका पैसा आप संभालें। इसका लिंक जो है मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप pothi.com से इसको ऑनलाइन मंगा सकते हैं या फिर amazon.com पर आप डाउनलोड करके इसे पढ़ सकते हैं, आपका पैसा आप संभालें। इसमें बेसिक जानकारी दी हुई है कि पैसों के मामले में लोगों को कैसे जागरूक रहना है, उसके संबंध में इसमें बताया गया है। आप देख सकते हैं कि निवेश की दुनिया समझना आसान और संभव है। कई लोग निवेश को या फिर मनी मैनेजमेंट को काफी जटिल विषय मान लेते हैं और फिर पैसे से जुड़े हुए जो काम होते हैं उस बारे में ध्यान नहीं देते हैं, जिससे क्या होता है कि उन्हें भविष्य में आने वाले दिनों में तकलीफ होता है, पैसे को मैनेज करना मुश्किल होती है। तो जो आप ये YouTube चैनल देख रहे हैं, इस YouTube चैनल का मकसद भी है कि मनी मित्र बनकर के आपके सारे सवालों के जो कि पैसों से जुड़े हुए हो उसका जवाब देना। तो ये मेरी किताब है, आपका पैसा आप संभालें, इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं, इसको आप ऑनलाइन मंगा सकते हैं pothi.com से। जैसे देखिए इसमें कुछ अध्याय का जिक्र किया हुआ है, यह आर्थिक स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, आसान है फाइनेंशियल प्लानिंग की दुनिया, मनी मित्र बनाएगा फाइनेंशियल सफर को सुहाना, यानी जैसे दोस्त आपके सफर को सुहाना बनाता है वैसे ही मनी मित्र आपके फाइनेंशियल सफर को सुहाना बनाएगा, कोई भी फाइनेंशियल स्ट्रगल से आपको गुजरने से बचाएगा आपका मनी मित्र। उसके बाद निवेश के दौरान 5 गलतियों से बचे, फिर है फाइनेंशियल कॉन्फिडेंस पाने के नुस्खे, उसके बाद सोना जमीन बैंक FD के आगे निवेश के आसमां और भी है, यानी ये जो पारंपरिक निवेश साधन होते हैं सोना जमीन बैंक FD वगैरह, लेकिन इसके अलावा भी आप कहां कहां पैसे लगा करके पैसे बना सकते हैं उसकी जानकारी आपको इस पुस्तक में मिलेगी। बैंक FD सेविंग्स डिपॉजिट से बेहतर भी दूसरे सेफ साधन है उसके बारे में जानकारी मिलेगी। क्या है निवेश का 100 माइनस उम्र फॉर्मूला, इसमें आपको बताया जाएगा कि आपको कितना पैसे डेट इंस्ट्रूमेंट में लगाना है, कितना पैसे मार्केट ओरिएंटेड इंस्ट्रूमेंट में लगाना है, फर्जी निवेश स्कीम में नहीं फंसेंगे। इस फर्जी निवेश स्कीम जैसे पोंजी स्कीम होता है जिसमें कि आपको लालच दिया जाता है कि भैया अगले महीने आपको 24% रिटर्न मिलेगा या फिर डबल पैसा मिल जाएगा, तो ऐसे निवेश स्कीम में फंसने से कैसे बचेंगे इसकी जानकारी है। फिर 60 साल की उम्र में करोड़पति बनने के नुस्खे इसमें बताए गए हैं। ऐसे ईमेल से SMS कॉल से बचेंगे, ये जो फर्जी ईमेल आते हैं SMS आते हैं कॉल्स आते हैं जिस पर आप क्लिक कर देते हैं तो आपके अकाउंट से पैसे खाली हो जाते हैं, इन सब बातों के बारे में आपको इस किताब में जानकारी मिलेगी। कई लोगों का PF का पैसा अटका हुआ रहता है, वो नौकरी बदलते रहते हैं लेकिन PF हर कंपनी में छोड़ते जाते हैं, तो उससे क्या नुकसान होता है, उसको कैसे आप अपने करेंट अकाउंट में जो मौजूदा आपका PF अकाउंट है उसमें ट्रांसफर करें, उस सबकी जानकारी दी गई है इस पुस्तक में। छोटी बचत योजनाओं जो PPF हो गया, सुकन्या समृद्धि योजना, किसान विकास पत्र, SCSS या POMIS जैसे की जानकारी दी गई है। इसके अलावा देखिए शेयर बाय सेल होल्ड स्टॉप लॉस से पहले शेयर बाजार में जब आप पैसे लगाएंगे तो इन शब्दों से आपका सामना होगा तो उसके बारे में बताया गया है। डिविडेंड सस्पेंडेड डिलीस्ट कंपनी के बारे में जानकारी सब शेयर बाजार के बारे में है। फिर कंपनी निवेशकों के लिए कंपनियों के नतीजे क्या मतलब होते हैं कि हर तिमाही में कंपनी जो है अपना रिजल्ट घोषित करती है फाइनेंशियल रिजल्ट, तो जो लोग शेयर बाजार में पैसे लगाते हैं उनको जानना जरूरी होता है कि जब कंपनी अपना रिजल्ट घोषित करने जा रही है तो उसे क्यों नजर रखना चाहिए, तो इन सब के बारे में जानकारी दी गई है। देखिए इसमें कुल मिलाकर के 46 चैप्टर्स है और ये सब बेसिक जानकारी दी गई है पैसों को संभालने के बारे में, यानी मनी मैनेजमेंट के बारे में, पर्सनल फाइनेंस के बारे में।
आपका मनी टाइम क्या है, मतलब मनी टाइम के बारे में होता है कि आपको जो आप पैसे निवेश कर रहे हैं या फिर जो आप पैसे कमा रहे हैं तो उसके बारे में समय समय पर पता करते रहना चाहिए कि जो आप फाइनेंशियल प्लान किए हैं उसके मुताबिक आप पैसे जमा कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे हैं, या फिर जहां पर आप पैसे निवेश किए हैं वहां पर आपको उम्मीद के मुताबिक रिटर्न मिल रहा है या फिर नहीं मिल रहा है, या फिर ये भी देखना कि कहीं आपके पोर्टफोलियो में बदलाव की तो जरूरत नहीं है, तो वो सब आपको मनी टाइम एक तय करना पड़ेगा। डॉक्टर भी ठीक रखे फाइनेंशियल सेहत, मतलब एक डॉक्टर होता है उसको फाइनेंशियल प्लान कैसे करना चाहिए इसके बारे में जानकारी दी गई है। आपातकालीन फंड यानी इमरजेंसी फंड क्या होता है, क्यों बनाना चाहिए, इन सब बातों के बारे में इसकी जानकारी दी गई है। आपका पैसा आप संभाले, ये मेरी पुस्तक है, आप इसे poti.com से मंगा सकते हैं या फिर डाउनलोड कर सकते हैं अमेजन से, और इसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। तो आज इतना ही, तो हैप्पी फ्रेंडशिप डे, नमस्कार।